Hello students, now we are moving further to our lesson number 5, synthesis or combining sentences. Students, in this video we are going to learn about what is synthesis and how do we combine the sentences. Okay, so basically, have you heard about synthesis? What is synthesis? See, synthesis is a process of combining parts or clauses to form one complete sentence. Synthesis एक ऐसे process है जिसमें हम क्या करते हैं, combining the parts or clauses to form one complete sentence. एक complete sentence को form करने के लिए हम क्या करते हैं, clauses को या फिर पार्ट्स को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं. ठीक है, सच सेंटेंसेस में भी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. और जो सिंथेसिस होते हैं वो सेंटेंसेस सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. ठीक है, कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. सी, सम ऑफ द वेज इन विच टू सिंपल सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू वन आर गिवन बिलो. ठीक है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें हम क्या करते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं. जैसे कि फर्स्ट थिंग क्या है, वी कैन कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स. फर्स्ट जो चीज़ है वो हम क्या कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपल्स का यूज़ करके हम उसको कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी ओपन्ड द डोर, शी केम इन. ठीक है, यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, शी ओपन द डोर, शी केम इन. ठीक है, दीज टू सिंपल सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड बाय यूजिंग अ पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके. किस तरीके से, जैसे कि ओपन्ड द डोर, शी केम इन. अब यहाँ स्टूडेंट्स ये देखो कि आप दोनों सेंटेंस में कॉमन चीज़ क्या थी, शी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टार्टिंग में से शी को रिमूव करके डायरेक्ट हमने अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह हम इसको फॉर्म करेंगे. तो ओपनिंग द डोर, शी केम इन. अब यहाँ पर मैंने शी को दो बार नहीं लगाया एंड ओपन्ड को मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए ओपनिंग ING उसमें लगा दिया. तो इस सेंटेंस का मतलब ये, अब ये सेंटेंस कंबाइन हो चुका है. ठीक है, जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल देखो, ही रेज्ड हिज स्टिक, ही स्ट्रक मी. अगेन, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन बोथ द सेंटेंस, ही. ठीक है, अब मैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन करूँगी तो मैं रेज्ड को रेजिंग कर दूँगी, रेजिंग हिज स्टिक, ही स्ट्रक मी. ओके ओके, नाउ having plus past participle is used when the first action is completed before the second begins. ठीक है, अब हम जो इसमें past participle कब लगाएंगे, having को add करके, जब क्या होगा, हमारी first action already हो चुकी है second action शुरू होने से पहले. जैसे कि he read the newspaper, he went out. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखो कि जो सेकंड एक्शन है उसके पहले फर्स्ट एक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो यहाँ पर हमारा हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा. पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो रीड, रेड, रेड, तो बोथ द थ्री फॉर्म्स आर सेम. तो हैविंग रेड द न्यूज़पेपर, ही वेंट आउट. नाउ सेकेंड फॉर्म इज, वी कैन कंबाइन द सेंटेंसेज बाय यूजिंग अ टू इन्फिनिटिव फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ हम टू प्लस वर्ब के फॉर्म लगा के हम यहाँ कंबाइन करेंगे. जैसे कि ही वॉकड फास्ट, ही वॉन्टेड टू कैच द ट्रेन. तो ही वॉकड फास्ट, अब यहाँ ही वॉन्टेड जो है वो हट जाएगा एंड टू कैच द ट्रेन. एज इट इज़ हम टू इन्फिनिटी से इसको सेंटेंस को जोड़ रहे हैं. शी वॉन्ट्स टू गेट गुड मार्क्स, शी इज स्टडिंग हार्ड. तो शी इज स्टडिंग harder to get good marks. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सेंटेंस का मीनिंग देखकर उसको ज्वाइन करना है.
ठीक है। तो अगर अपने इसको सेंटेंस को अगर इसी तरीके से जोड़ती कि शी वॉन्टेड टू गेट मार्क्स टू स्टडी हार्ड, तो सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो गया पूरा, कि वो गुड मार्क्स इसलिए लाना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो गया, हमें इसको फिर इसलिए पीछे वाले सेंटेंस को आगे लेके आना है और इस तरीके से चेंज करना है। टू सिंपल सेंटेंसेस कैन बी कम्बाइंड बाई यूजिंग टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव इंस्ट्रक्शन। अब दो सिंपल सेंटेंसेस को हम इस तरीके से भी कम्बाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड, वी कैन नॉट गो आउट, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरी की जगह हम टू लगा देंगे, ठीक है, और पीछे हम टू इन्फिनिटिव जोड़ देंगे। जैसे इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, कैन नॉट हट जाएगा इसमें से, और वी भी हट जाएगा। द क्वेश्चन इज़ वेरी डिफरेंट, आई कैन नॉट सॉल्व इट, वेरी डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट। यहाँ फॉर मी मैंने आई की जगह प्लेस किया है। ऐसे ही वर्क्स वेरी स्लोली, ही इज़ नॉट ऑफ मच यूज़ ऑफ मी, तो ही वर्क्स टू स्लोली टू बी ऑफ यूज़ ऑफ मी। इस तरीके से आपको टू एडजेक्टिव एडवर्ब और टू इन्फिनिटिव से सेंटेंस को जोड़ना है। अनादर फॉर्म इज़ वी कैन कम्बाइन टू सिंपल सेंटेंसेज बाई यूजिंग द एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एनफ प्लस टू। जैसे कि ही इज़ वेरी रिच, ही कैन बाय दिस हाउस, तो ही इज़ रिच एनफ टू बाय दिस हाउस। ऐसे ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड, ही इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दिस हैवी लोड। ठीक है, इस तरीके से हमको enough और टू इन्फिनिटिव का जोड़ के भी हम इन सेंटेंस को कम्बाइन कर सकते हैं। नाउ सी द एक्सरसाइज, कम्बाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे इसको कम्बाइन करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे कि अब देखो, आई सॉ हिम ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, तो ये सेंटेंस कम्बाइन कैसे हो जाएगा, ही वॉज हट जाएगा इसमें से, आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड। अब ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस बन गया है। दोनों सेंटेंसेस का, यह जो ऊपर दो सेंटेंस दे रखे हैं और नीचे वाले सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे सेंटेंसेस कंबाइन करके वन सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करना है, ओके। नाउ कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंबाइंड सेंटेंस। अभी हमने इसके पहले टू सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म किया था, अब हम टू सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करेंगे। वी कैन कम्बाइन टू सिंपल सेंटेंसेज इंटू वन कंपाउंड सेंटेंस बाई यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं, हमने इसके पहले भी, पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, पर अभी हम फिर से देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। जैसे कि एंड, और, बट, बोथ, आइदर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ठीक है। इन कंपाउंड सेंटेंसेस, इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करेंगे। जैसे कि शी एंटर्ड द रूम, शी सेट ऑन द चेयर। देखो फर्स्ट सेंटेंस है, उसने कमरे में एंटर किया और वो चेयर पर बैठ गई। तो अब इन दोनों सेंटेंस को मैं जोड़ूंगी कैसे, वो कमरे में आई और चेयर पर बैठ गई, तो ठीक है। तो अब मैं और वर्ड के लिए कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाएगा, एंड, तो कैसे जोड़ूंगी इसको, शी एंटर्ड द रूम एंड सेट ऑन द चेयर, ठीक है। ऐसे यू मे गो, यू स्टे हियर, तुम चले जाओ, तुम रुक जाओ। अब इन दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, या तो तुम चले जाओ या रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ और आएगा, और स्टूडेंट्स हम इसको आइदर और से भी जोड़ सकते हैं, बट हम इसको सिंपल बनाने के लिए सिर्फ और से ऐड करेंगे। यू मे गो और स्टे हियर। अब यू यहाँ पर दो बार नहीं आएगा, ठीक है।
ही लुक स्ट्रांग ही इज कॉवर्डली। तो अब मैं इसको किससे जोड़ूंगी, बट से। ठीक है, देखो वो ताकतवर है, वो डरपोक है। ठीक है, तो मतलब यहाँ इस सेंटेंस का मतलब क्या है, वो ताकतवर दिखता है, लुक्स लिखा हुआ है, दिखता है। ही इज कॉवर्डली और वो डरपोक है। तो मैं इस सेंटेंस को कैसे जोड़ूंगी कि वो ताकतवर दिखता है लेकिन वो डरपोक है। तो लेकिन के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी बट। ठीक है, ऐसे शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड सॉरी शी इज इंटेलिजेंट शी इज ब्यूटीफुल। तो ये क्या बन जाएगा, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एक और हम जोड़ सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। ठीक है, और यहाँ पे शी इज नॉट इंटेलिजेंट शी इज नॉट ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल। ऐसे यू शुड सिट डाउन यू शुड गो आउट, तो यू शुड आइदर सिट डाउन और गो आउट। स्टूडेंट्स, ये हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इन सेंटेंसेस को कंबाइन किया है। नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 2, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन वन कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आपको यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इनको जॉइन करना है। ही इज अ गुड मैन, ही कैन डिपेंड यू कैन डिपेंड अपॉन हिम। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, ही इज अ गुड मैन एंड यू कैन डिपेंड अपॉन हिम। ठीक है, इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करके इनको ऐड करना है। नाउ कंबाइनिंग 2 सेंटेंसेस इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब हम इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे। वी कैन यूज अ नाउन क्लॉज टू कंबाइन 2 सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और हम इसको चेंज करने के लिए नाउन क्लॉज का यूज करेंगे। ठीक है, तो नाउन क्लॉज में जनरली हम दैट व्हेन व्हाट इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि शी विल नॉट बी इन टाइम दैट इज सर्टेन, तो हम इसको जोड़ेंगे, इट इज सर्टेन दैट शी विल नॉट बी इन टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पीछे जो सेंटेंस था उसको मैं आगे लेके आ गई एंड मैंने इट से स्टार्ट किया सेंटेंस को, इट इज सर्टेन फिर दैट She will not be in time. देखो I know it, he is honest. तो मैंने फिर इसको ऐड किया I know that he is honest. ठीक है, जनरली हम इट को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। I shall find it out. The train leaves at some time. तो I shall find out when the train leaves. Understood? Now we can make a complex sentence by using adjective clause. अब हम एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू बनाएंगे। जैसे हियर इज द मैन आई मेट हिम लास्ट नाइट, तो हियर इज द मैन हुम आई मेट लास्ट नाइट। यहाँ पे हम एडजेक्टिव क्लॉजेस का यूज करेंगे, हु हुम विच दैट वेयर। ठीक है, द चेयर्स आई बॉट दिस चेयर्स यस्टरडे दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, तो द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे आर क्वाइट कंफर्टेबल। He was the first man she ever met this man. तो he was the first man that she ever met. I know this place he lives here. I know the place where he lives. Understood? And another one is हम subordinating conjunctions का use करके इनको combine करेंगे। Students, एक तो coordinating conjunction होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेटिंग मतलब एंड बट और जो सेंटेंस को जोड़ता है, एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जैसे इफ, ठीक है, अनलेस, बिकॉज, वेयर एवर। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आ जाएंगी। यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इसका क्या हो जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ऐसे ही पास ही वर्क हार्ड, तो ही पास्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हम एक चीज़ और आती है कि जब किसी चीज़ का रीज़न बताते हैं,
ठीक है, कोई रिजल्ट बताते हैं, रीज़न बताते हैं, ठीक है। तो और किसी चीज़ की श्योरिटी भी हम अगर दे देते हैं तो वो सारे वर्ड्स हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, माय मदर टॉक टू द वुमेन, शी सोल्ड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो अब हम इसको हु और होम के थ्रू ऐड करेंगे। जैसे द वुमेन हु होम माय मदर टॉक्ड सोल्ड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंस क्या बनाया कि वो वुमेन जिससे मेरी मदर ने बात की थी वो कॉस्मेटिक्स बेचती है, बेचा उसने कॉस्मेटिक्स बेचे। ठीक है, इस तरीके से आपको इन सबको कंबाइन करना है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4, कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अब इससे आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगेन ही वेंट अवे ही विसल्ड, तो ये बन जाएगा ही वेंट अवे विसलिंग। ठीक है, क्योंकि ये अपन ने, जैसे कि अपन ने शुरू में देखे थे ना, अपन ने ing प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके सेंटेंस को ज्वाइन किया था, तो ही वेंट अवे विसलिंग। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, विसलिंग कॉमा ही वेंट अवे। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू अ कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको कंपाउंड बनाना है। यू शुड टेल द ट्रूथ, यू शुड कीप क्वाइट। तो अब मैं इसको बनाऊंगी, यू शुड टेल द ट्रूथ और कीप क्वाइट। ठीक है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू कॉम्प्लेक्स। अब इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। शी नोज इट हिज नेबर इज अ डॉक्टर, तो शी नोज दैट हर नेबर इज अ डॉक्टर। स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने नाउन क्लोज से जोड़ा है, तो मैंने इसमें दैट वर्ड का यूज करके इस सेंटेंस को ऐड कर दिया है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 5। थैंक यू।